चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चार धाम यात्रा शुरू होते ही पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि उससे पहले भी छुटपुट बारिश का सिलसिला उच्च हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। वही आपको बता दें 11 मई से बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश भर में बढ़ता हुआ दिखेगा। इस दौरान मौसम विभाग ने चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को खास देते हुए चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अपनी तैयारी के साथ आए, क्योंकि इस दौरान बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने के आसार हैं, जिससे उच्च हिमालय क्षेत्र में ठंड बढ़ने के आसार हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तो बिल्कुल वो बारिश रहेगी, चार धाम लोकेशन में भी रहेंगी, और जो लोग जा रहे हैं वो अपनी तैयारी से जाए, जो बारिश से बचाव के लिए है, या जो ठंडा है, ठंडा वहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्र तो वहाँ ठंडा रहेगा, टेम्परेचर बारिश की वजह से और भी गिरेंगे, तो उनको उस हिसाब से जो है तैयारी करके अपना जाना चाहिए।